नमस्कार, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। और श्री राम शिलान्यास के बाद अब ज्ञान व्यापी को लेकर वाराणसी की माननीय अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत का कहना है कि अब ज्ञान व्यापी में हिंदू धर्म के लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं, जिसको लेकर अनिल विज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा विज ने, सुनवाते हैं आपको। बहुत बड़ी बात है और ये राम जी की कृपा से ही हो रहा है कि धीरे धीरे जो भी हमारे आस्था के केंद्र थे, जिन पर हमलावरों ने, जो लोग हमारे देश पर हमला करने आए, हमारे देश को लूटने के लिए आए, कत्लेआम करने के लिए आए और हमारे धार्मिक स्थानों को तोड़कर बनाया गया, अब धीरे धीरे पहले राम मंदिर जी का हुआ, ज्ञान वापी जी का हुआ और आगे भी होगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो जातिगत जनगणना करवाएंगे, जिसके बाद राहुल गांधी अनिल विज के निशाने पर आ गए। क्या कुछ कहा अनिल विज ने, सुनवाते हैं आपको। देखो, जब सत्ता में थे तब क्यों नहीं करवाया और अब कभी तुमने आना नहीं। अब तुम लोगों को सिर्फ गुमराह करने के लिए, लोगों को बांटने के लिए, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, इस देश को खंडित करने के लिए राहुल गांधी जी ऐसी बातें कहते हैं। बजट आने से पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बजट से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, जिसको लेकर अनिल विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो नेगेटिविटी के शिकार है। क्या कुछ कहा विज ने, सुनवाते हैं आपको। नहीं, देखिए, जो बजट पेश किया गया अभी उसका अध्ययन करेंगे। हुड्डा साहब ने तो पहले ही बना रखा होता ना, बजट बनने से पहले ही उन्होंने अपना जो बयान है वो बना रखा होता है और उन्होंने कभी पॉजिटिव तो बोलना नहीं, नेगेटिविटी के शिकार हैं और हर वक्त नेगेटिव बातें ही करते हैं और जब इनको मौका मिला था तब भी प्रदेश आगे जाने की बजाय पीछे गया। झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो कर्म किए हैं वो भुगतने पड़ेंगे। नहीं नहीं, वो कहीं भी जाएं, वो उनका अधिकार है, लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि चुनाव हुआ है और आप उसको मान नहीं रहे हो। ये जब ये हार जाते हैं तो कहीं पर ईवीएम का आरोप लगा देते हैं, कहीं पर धांधली का आरोप लगा देते हैं। चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव को लेकर भगवंत मान ने कहा है कि वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे, जिसके बाद अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाई कोर्ट भले ही चले जाए लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अब वो चुनाव हार चुके हैं। क्या कुछ कहा विज ने, सुनवाते हैं आपको। वो तो अब जो कर्म किए हुए हैं उसकी सजा तो भुगत के ही जाएंगे ना, सजा तो भुगतनी पड़ेगी उसकी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।